I don't know if I'm changing over. In the moonlight I can't kill this feeling sober, so I start to come alive. I don't know what starts to control me. I let it go, another soul is underneath. I don't really care about this all. It's the fall that kills me. We're so backed against the wall, just feed the beast and you'll see. सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज लेकर आए रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 स्टिल्थ ब्लैक 2021 एडिशन, और इसका लुक आप लोग देख सकते हो। जो आप लोगों ने सिनेमैटिक्स में देखा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना सिनेमैटिक्स कैसा लगा। अब चलिए इसका रिव्यू देते हैं। तो फ्रंट से देखो आप लोग, फ्रंट में जैसा हेलोजन हेडलैम्प मिलता था वो अभी आपको नहीं दिखेगा, कॉज अभी धूप में, बहुत ख़तरनाक वाली धूप में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसी के लिए लाइट वगैरह आपको नहीं दिख पाएगा। इंडिकेटर्स आपको दिखाते हैं, तो देखो ये भी ब्लिंक नहीं हो रहे हैं कैमरा पे, मतलब एकदम हल्का सा पता चल रहा है। ये इतना ज़्यादा धूप यहाँ प्रेजेंट है उसके लिए। तो जो इंडिकेटर्स वगैरह है वो आपको बर्न में प्रेजेंट है एज़ इट इज़, जैसे पहले आता था वैसे ही फेस वगैरह आपको प्रेजेंट किया गया है। फोक्स की बात करते हैं तो टेलीस्कोपिक फोक्स है फ्रंट में, और राइट लेफ्ट में रिफ्लेक्टर्स आपको अवेलेबल हो गए हैं। टायर की बात करें तो MRF का टायर है 90/90 का, और 19 इंच का एलॉय है जो ब्लैक कलर का एलॉय है। और ये वाली जो है, मतलब कि ये जो ब्लैक कलर है, इसमें आप देखोगे कि आपका एग्जॉस्ट वगैरह भी आपको ब्लैक दिया गया है, बेंड पाइप वगैरह भी। तो कंप्लीट पूरी फुल्ली ब्लैक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ये है, प्योर ब्लैक नहीं है। इसका जो नाम है वो स्टिल्थ ब्लैक है। अब इस साइड आते हैं तो इस साइड देख लो, आपको ABS वगैरह का रिम मिल रहा है, और फ्रंट में डिस्क है, और इसमें आपको डुअल चैनल ABS अवेलेबल हो रहा है, और रिफ्लेक्टर्स आपको इस साइड भी दिखेंगे। अब आते हैं हैंडल पे, तो हैंडल भी देख सकते हो, जैसा आपका कंसोल है उसमें आपको स्पीडोमीटर और ओडोमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेटर, लो फ्यूल, इंजन का लाइट और ABS का लाइट जलेगा। और हैंडल भी देखो कंप्लीट ब्लैक सेटअप पे, पास लाइट, हाई बिन, लो बिन, राइट लेफ्ट इंडिकेटर हॉर्न हो गया, उधर किल स्विच एंड ऑल। और जो टैंक है वो कंप्लीट ब्लैक कलर का टैंक है, और रेड स्ट्रिप्स इसमें है। रॉयल एनफील्ड का जो लोगो है वो भी आपको रेड में दिखेगा, और साइड में टैंक पैड, मतलब कि टैंक पैड नहीं, थाई सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक पैडिंग का यूज़ किया गया है। और टैंक आप लोग देख लो, एक आता है प्योर ब्लैक, एक आता है स्टिल्थ ब्लैक। तो स्टिल्थ ब्लैक पे आज वीडियो शूट कर रहे हैं। कमेंट आ रहा था बार बार कि भैया रॉयल एनफील्ड की वीडियो लाओ, तो आज फाइनली लेकर आ गए। और अब आते हैं नीचे इंजन वगैरह पे, 350 सीसी का इंजन है, EFI प्रेजेंट है, और जैसे मैंने बताया कंप्लीट ब्लैक सेटअप में, कैटालिटिक कन्वर्टर वगैरह और एग्जॉस्ट वगैरह आप लोग देख सकते हो। जो बेंड पाइप है वो भी कंप्लीट ब्लैक सेटअप पे आपको प्रेजेंट किया गया है। इंजन की बात करते हैं, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन है FI के साथ। और पावर की बात करते हैं 19.36 PS का पावर, और 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इस पर अवेलेबल है। 13.5 लीटर्स का टैंक आपको प्रेजेंट किया गया है। सीट की बात करते हैं तो सीट देख लो आप लोग, कंप्लीट जो ब्लैक ओरिजिनल सीट आता है उसका वही ब्लैक में। और नीचे आते हैं, किक वगैरह तो है ही, और यहाँ पे EFI मोटर वगैरह। और बैकग्राउंड में अगर कोई साउंड आ रहा होगा तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, कॉज मैं वर्कशॉप पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, सारे शोरूम्स वगैरह क्लोज्ड है और वर्कशॉप में बना रहे हैं। और यहाँ पे देख लो, ये जो बॉक्स है इस पर आपको क्लासिक 350 जो कंप्लीट रेड कलर पे आपको दिखेगा, इस साइड एंड इस साइड, दोनों साइड में आप देख सकते हो। पीछे डुअल शॉकर प्रेजेंट किया गया है आपको, साढ़े गार्ड इस साइड। और MRF का रेयर टायर भी है 120/80 का, 18 इंच का एलॉय है, पीछे में भी आपको ब्लैक एलॉय दिया गया है जैसे फ्रंट में। और जो इसका आप लोग यहाँ पे डिस्क देख सकते हो, डिस्क ब्रेक पीछे भी आपको अवेलेबल किया गया है, और डुअल चैनल ABS है तो पीछे भी ABS वर्क करेगा। टेल पे आते हैं, टेल सेक्शन देखो, मडगार्ड कंप्लीट ब्लैक में और रेड पे, और इसका जो लोगो वगैरह है वो आपको रेड पे दिया गया। बेसिकली इसमें दो ही कलर यूज़ है इस वाली ब्लैक पे, एक आप देख सकते हो मैट ब्लैक, और एक देख सकते हो रेड पे आपको लोगो वगैरह दिया हुआ है। और देखो भाई, मास्क में बोलने में नहीं बनता है, समझे आप लोग, और कोरोना का ऐसा चल रहा है ना, छोड़ो हटाओ वो तो बात की बात है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करते होगे तो आप लोग पता चल गया होगा। और एक और बात बोलूँगा कि इतना मेहनत करी वीडियो बना रहे भाई, आप लोगों का काम है शेयर करना और लाइक करना। शेयर और लाइक ज़रूर करना यार, ख़तरनाक वाला धूप में वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, पूरा पसीना पसीना होकर। और भी शूट करने हैं 2-4 गाड़ी के, अभी तो ये फर्स्ट है और आपको मिलते चला जाएगा सारा अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। रेयर टेल सेक्शन देख लो तो छोटा सा आपको रेड में यहाँ टेल लाइट और राइट लेफ्ट इंडिकेटर्स, एग्जॉस्ट। अब चलिए इसका एग्जॉस्ट आप लोग को सुनाते हैं। तो भाई ये तो हो गया रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक का कंप्लीट एक डिटेल रिव्यू सारे स्पेसिफिकेशन के रिगार्डिंग। और हॉर्न वगैरह अगर मैंने नहीं सुना है तो वो एक बार आप लोग सुन लो यार, उसके बाद आप लोगों को मैं प्राइसिंग वगैरह बता देता हूँ। तो ये इसका हॉर्न, तो हॉर्न में भी कुछ वैसा चेंज नहीं है। अब चलिए आप लोगों को मैं प्राइसिंग बताता हूँ इसका। तो प्राइस के रिगार्डिंग जैसे आप लोगों को पता है हर शोरूम हमें अलाउ नहीं करता है ऑन रोड बताने के लिए, कॉज हर शोरूम का मतलब हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह का चार्ज अलग अलग रहता है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को एक शोरूम बताऊँगा। तो एक शोरूम जिसका प्राइस है वो है 1,98,600 रुपीज़। और अगर आप लोग को ऑन रोड वगैरह बुकिंग वगैरह कुछ भी वैसा के रिगार्डिंग जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है शोरूम का। आप लोग फ्री हो यार, कॉल करो, कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉल करो। आप लोग को इसका रिव्यू पता करना है, रिव्यू तो मैं बता दिया है चैनल पे। और अगर आप लोग को इसका बुकिंग्स वगैरह के बारे में पता करना है, ऑन रोड प्राइस वगैरह पता करना है तो वो भी पता चल जाएगा। चलिए वीडियो करते हैं एंड, होप सो आपको पसंद आएगा। और यार एक लाइक ज़रूर देना, इतना धूप में वीडियो शूट कर रहा हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।